दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, फिल्म देखते वक्त आपको ऐसे लगता है कि इस रोल में ये जो एक्टर है क्या काम किया है इसने। कभी तो आपको पता ही नहीं पड़ता है कि इस एक्टर का नाम क्या है, बट यू फील कि इसकी कास्टिंग एकदम बराबर हुई है। पहले के जमाने में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स खुद ही कास्टिंग करते थे, लेकिन आजकल एक नई ब्रीड आई है बॉलीवुड में जिन्हें हम कास्टिंग डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में वन ऑफ द लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड मुकेश छाबरा है। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू। ये ब्रीड कब से शुरू हुई है? पहले तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का नाम भी हमने नहीं सुना था, तो आपको मतलब आपकी ब्रीड को किसने कास्ट किया? मेरी ब्रीड को मुझे ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं खुद ही काम की तलाश में था। मैं जब दिल्ली से बम्बई आया दिल्ली में क्या करते थे आप? दिल्ली में मेरी कंपनी है एनएसडी के साथ, जो टीआई जो बच्चों के साथ काम करती है, थिएटर वर्कशॉप करती है, उस कंपनी के अंदर मैं नौकरी करता था एज एन एक्टर एंड टीचर, जो बच्चों के साथ वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं दिल्ली में। तो वो करता था। उसके बाद मुझे लगा कि अब ये थोड़ा सा क्रिएटिव है तो कुछ बॉम्बे में जाना चाहिए। तो फिर मैं बॉम्बे आया तो मुझे लगा ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा खाली है, तो मैं फिल्म के अंदर मैंने रंग दे बसंती में कुछ सम टाइम असिस्ट किया था दिल्ली में। तो छोटे छोटे कास्टिंग वहां से करता था, मुझे लगा जो छोटे छोटे किरदार है, बहुत छोटे छोटे किरदार जो वन और टू कैरेक्टर उसमें असिस्ट करता था। जब यूनिट दिल्ली आई थी तो चार पांच छह लोग जो मैं करता था, तो वहां से फिर मुझे लगा जब बॉम्बे आया तो फिर ये चिंटू जो करके एक फिल्म है जो रंजित कपूर थिएटर के डायरेक्टर हैं वो फिल्म बना रहे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये काम करोगे, एक्टर ढूंढने हैं और नए एक्टर ढूंढने हैं, और तुम एनएसडी के साथ इतना काम किया है, थिएटर में इतना काम किया है, क्यों नहीं तुम कोशिश करते हो? मैंने बोला करता हूँ। तो वो चिंटू जी किया, एक और फिल्म था अमल करके जो कि कैनेडियन डायरेक्टर दिल्ली में आए थे, उन्होंने फिल्म बनाया था, वो मैंने किया। बस तब से तो चिंटू जी आपकी पहली फिल्म थी बतौर फुल फ्लेज्ड कास्टिंग डायरेक्टर। और ये आपने काम कैसे सोचा? क्योंकि मुझे लगा कि एक तो कि ये मैं स्क्रिप्ट पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रहता हूँ, मुझे स्क्रिप्ट में इतने सारे कैरेक्टर होते हैं, और जब भी मैं फिल्म देखता था मुझे लगा कि यार आजकल जैसे फिल्में बनती है ना, बहुत सारे एक्टर को नए नए एक्टर को चांस मिलना चाहिए, और थोड़ा कास्टिंग को थोड़ा सा कोई ठीक से करना चाहिए, बिकॉज हम लोग थिएटर में रहे, इतने नाटक पढ़े हैं, इतने प्लेस को पढ़ा है, तो वहां से आइडिया आया कि चलो यार ये जॉब करके देखते हैं। जब चिंटू जी कह रहे हो मैं समझ में आया कि हाँ कि कितना डायरेक्टर मांग रहा है, कितना आप इनपुट दे सकते हो, कितना आप सोच सकते हो, तो उसी हिसाब से रास्ते खुलते गए और फिर अभी तो फिर सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि रुके नहीं रहा है। तो कास्टिंग डायरेक्टर का काम सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट को कास्ट करना होता है या मेन एक्टर्स जिसे हम लीड एक्टर्स कहते हैं, फीमेल लीड मेल लीड, उनको भी कास्ट करना आप लोगों का ही काम होता है? सर दैट्स डिपेंड। इफ सच अ बिग फिल्म, जैसे अगर मैं रॉकस्टार करूं तो रणबीर और नरगिस ऑलरेडी थे, उसके बाद जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है, चाहे कुमुद मिश्रा और बाकी अदिति, वो सब मैंने किए थे। लेकिन जैसे आजकल फिल्में बन रही है, चाहे वो चिल्लर पार्टी थे, सब मैंने किया। तीन दोस्तों की कहानी, तो तीन दोस्त भी आपने ही निभाए? तीन दोस्त, फुल फ्लेज कास्टिंग। अच्छा, तो किस तरह का मतलब ये कैसे सिलसिला शुरू होता है? यू गो एंड अप्रोच द प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर अप्रोचेस यू? आई थिंक अब तो प्रोड्यूसर अप्रोच करते हैं। पहले अच्छा लगता है ना कहने में, अच्छा लगता है, अब तो प्रोड्यूसर अप्रोच करते हैं। तो लाइक कायपोचे के टाइम पे ये हुआ कि लाइक गट्टू एंड यूटीवी कॉल्ड मी, अभिषेक कपूर जिससे मैं मिला, तो उन्होंने मुझे इतना पहली बार मुझे ऐसा कोई ब्रीफ मिला जहाँ मुझे बहुत मजा आया कि फुल स्लेट, कोई स्टार सन नहीं, कोई स्टार बैगेज नहीं, यू हैव टू फाइंड थ्री न्यू टैलेंटेड बॉय। तो आई थिंक दैट वाज द ओनली ब्रीफ, मुझे लगा अब भी मजा आएगा, चलो अब कुछ करने को मिलेगा, बिकॉज यू हैव अ कंप्लीट फ्री हैंड, कंप्लीटली फ्री हैंड। एंड गट्टू एंड यूट्यूब वाज सो सपोर्टिव, अभिषेक कपूर वाज सो सपोर्टिव, तो मुझे पूरा फ्रीडम दिया कि यार तीन एक्टर लेकर आते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, तू टेंशन मत ले, जैसे जाना है टीवी में जाना है, कहाँ जाना है, थिएटर में जाना है, तो तू विंदास होके जा। एंड यूट्यूब वाज सो सपोर्टिव, तो मैंने फिर वो प्रोसेस शुरू किया और देन आई फाउंड राजकुमार, सुशांत एंड अमित साध। और जब आपके बताए गए एक्टर्स सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उनकी फीस भी आप ही डिसाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स के साथ नेगोशिएट करते हैं? नेगोशिएट नहीं करता हूँ, दे जस्ट आस्क मी फॉर एन आइडिया, क्योंकि जनरली तो मोस्टली लाइन प्रोड्यूसर जो होते हैं वो लोग खुद ही करते हैं। मेरा काम सिर्फ एक क्रिएटिव लेवल पे कास्टिंग करके मैं वहां से निकल जाता हूँ, ताकि वो प्रोड्यूसर के उनको थमा देता हूँ कि नाउ दिस इज योर जॉब, यू कैन हैंडल द एक्टर। तो यानी आपको फी मिलती है प्रोड्यूसर से, ना कि एक्टर्स जिन्हें आप कास्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उनसे आप कमीशन नहीं लेते हैं? नहीं सर, कमीशन तो बिल्कुल भी नहीं लेते। मैं कास्टिंग डायरेक्टर का जॉब समझने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं सर, वो अभी जैसे डीओपी होते हैं, लाइक डीओपी, लाइक प्रोडक्शन डिजाइनर, लाइक कॉस्ट्यूम डिजाइनर, लाइक कास्टिंग डायरेक्टर, दैट्स व्हाई वी गेट प्रॉपर ओपनिंग क्रेडिट नाउ। आई फील वेरी नाइस व्हेन आई सी माय ओपनिंग क्रेडिट, बट इनिशियली दिस कल्चर नाम आता है बाकायदा कास्टिंग डायरेक्टर। तो आई थिंक वो हम लोग कास्टिंग करके अपना पूरी फीस लेते हैं और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं। तो मैं बहुत कम शूटिंग में भी नहीं जाता हूँ, कास्टिंग खत्म होने के बाद मैं दूसरी फिल्म में चला जाता हूँ। कैसा लगता है जब आपने बहुत मेहनत की है किसी पर एंड आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने सिलेक्ट कर ही लिया है, एंड वो बंदा या वो बंदी
प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से रिजेक्ट हो जाते हैं? बहुत बुरा लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो, बहुत मेरे केस में 5 या 6% हुआ होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा कर, मैं अपने होमवर्क में एक घर पे बहुत एक फैमिली चार्ट बना लेता हूँ, फिर ब्रीफ लिखता रहता हूँ, 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट करता हूँ दिमाग में, फिर 5 करता हूँ, फिर 3 करता हूँ, फिर जो 2 करके जब मुझे कन्विंस लगता है उनका ऑडिशन मैं करता हूँ। तो मतलब देन मेरे केस में थोड़ा सा शायद आई बीन लकी दैट वासीपुर हो या चिल्लर पार्टी हो, चाहे गायपुचे हो, चाहे रॉकस्टार हो, तो थोड़ा सा कम ही आई थिंक थिएटर में इतना शायद काम किया तो वो बहुत हेल्प कर रहा है। और क्या क्या पैरामीटर्स आप कंसिडर करते हैं बिफोर यू फाइनलाइज समबडी? सी आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे पहले जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, जब मैं अपनी ब्रीफ बनाता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करता हूँ, तो उस ब्रीफ के हिसाब से आई मेक माई ओन ब्रीफ। तो उसके हिसाब से मैं पहले देखता हूँ कि ये बंदा उस ब्रीफ के हिसाब से फिट होता है या एक्टर फिट होता है या नहीं होता, फिर मैं उससे बात करता हूँ, बातचीत करने से फिगर आउट कि ओके ये मेरा कैरेक्टर है या नहीं है, फिर उसके बाद मैं उसको ऑडिशन करता हूँ। ऑडिशन करने के बाद अगर मुझे कन्विंस होता हूँ तो फिर मैं उसको फिर से ऑडिशन करता हूँ, फिर को एक्टर के साथ ऑडिशन करता हूँ। वो सब करने के बाद जब मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ जमता है, फिर जाके मैं डायरेक्टर के पास जाता हूँ। और थैंक्स टू आई बीन लकी विद वर्किंग लाइक इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, अभिषेक कपूर, राजकुमार हिरानी, निशिकांत कामत, जब से ये कल्चर हुआ है तब से मुझे ऑलमोस्ट सभी अब थोड़ा थोड़ा काम के लिए बुलाते रहते हैं। और ये थोड़े थोड़े काम के लिए थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं या बहुत बहुत पैसे मिलते हैं? आई डोंट वॉन्ट यू टू कोट मी दिस, बट किस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं अब तो? Why I'm asking you this? Because हमारे जो दर्शक है, देखने वाले हैं, उनमें से कई लोग होंगे जो सोचते हैं कि ये एक करियर ऑप्शन है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट। वेरी 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 गुड, वेरी गुड जॉब, वेरी क्रिएटिव जॉब, वेरी, आप क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फाइड और कंटेंट रहते हैं, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ फिल्म मेकर, यू वॉन्ट टू, आई थिंक इट्स द बेस्ट जॉब, यू कैन, यू डायरेक्टिंग एक्टर, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी इट्स वेरी गुड मनी, बिकॉज आई हैव 16 असिस्टेंट, तो आई पे सैलरी टू एवरी वन, एंड आई एम वर्किंग ऑन 2-3 फिल्म एट ए टाइम, तो आई गेट लाइक लॉट ऑफ मनी दैट वे, आई एम क्वाइट। I love your frankness, मगर आप गोल 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 करके कोई हिंट भी नहीं देंगे कि कितना पैसा मिलता है। आई मीन एक छोटे बजट की, नए एक्टर से तो ज्यादा मिलता है। That's better. एक नए एक्टर से ज्यादा पैसा मिलता है कास्टिंग डायरेक्टर को, एंड इट इज जनरली अ परसेंटेज या फिक्स्ड फी? ऐसे डिपेंड करता है, बिग फिल्म देन देयर आर डिफरेंट फीस, इफ अ स्मॉल फिल्म डायरेक्टर से कि अगर स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है तो मैं बिना पैसों के भी फिल्म करना, क्योंकि मुझे कास्टिंग करनी है अच्छे फिल्म के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल दे सकते हैं आप, जिसके लिए आपने पैसा चार्ज नहीं किया? शाहिद हंसल मेहता की फिल्म। हाँ हाँ। बहुत ही, मतलब मुझे लगा इतनी प्यारी स्क्रिप्ट है, मुझे पूरी इसमें दिल जान लगा के काम करनी है, मुझे लगता है जहाँ पर पैसा है तो मुझे भी दे दीजिए, तो मैं, अगर आपको लगता है कि मुझे देना चाहिए तो दीजिए। तो आई थिंक कुछ ऐसी, जहाँ मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आती है मैं करता हूँ, और जिस फिल्म में जहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती वो फिल्म मैं लेता नहीं हूँ। अच्छा, ऐसे भी होता है क्या, प्रोड्यूसर्स आपके पास आते हैं और आप टर्न डाउन करते हैं ऑफर को? आई थिंक आई हैव बीन ऑफ, आई थिंक 6-7 फिल्म एवरी मंथ आई टर्न डाउन नाउडेज। अच्छा, और अब तक कितनी फिल्मों की कास्टिंग आप कर चुके हैं? अराउंड 43 एक्टर्स, स्पेशली नए एक्टर्स जिन्हें ब्रेक की जरूरत है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं कास्ट होने के लिए? कुछ भी से ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट यह है कि बहुत सारे लोग आते हैं उम्मीद के साथ, तो वो बोलते हैं कि आपको अगर कुछ पैसे चाहिए तो हम पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, ऐसे भी लोग आते हैं, बट आई फील सो बैड फॉर देम, तो आई सिट विद देम एंड एक्सप्लेन दैट कि लिसन, अगर आपके लिए कुछ होगा तो आई विल पक्का, माई टीम विल कॉल यू, बिकॉज दैट माई, मैंने ऑफिस में भी कल्चर शुरू किया कि 10-2 कोई भी आ सकता है और कोई भी आके अपने इंट्रोडक्शन दे सकता है, तो मैं अपने डेटा में वो इंट्रोडक्शन लोगों से मिलता हूँ, तो मैं एक बैंक बनाता डेटाबेस, बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ न्यू एक्टर आर कमिंग, बिकॉज मोस्टली एक्टर फ्रॉम भोपाल, इंदौर, इलाहाबाद, ऑल द स्मॉल टाउन के एक्टर, एंड देयर रियली 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 गुड। अब वासीपुर में देखो तो 350 एक्टर कास्ट किए थे, 350 एक्टर्स, ये दो वासीपुर में, दो गैंग्स ऑफ वासीपुर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 350 एक्टर्स, और इसकी कास्टिंग के लिए कितना, मुझे 1 साल लगा था, और दोनों फिल्मों की कास्टिंग इकट्ठी की थी? इकट्ठी की थी, बिकॉज शूटिंग एक साथ थी ना, इकट्ठी की, तो आप सोचो कि हैंचमैन से लेकर छोटा एक्टर, चल सुल्तान हो, पंकज त्रिपाठी, या फिर फजलू हो, चाहे फिर रीमा सैन हो, तो मतलब सबके साथ पूरा 7-8 महीने मेरे विद 16 असिस्टेंट, जिसमें से मेरा मेन असिस्टेंट जो है आकाश दहिया, वैभव विशांत, राकेश तरे, जो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहे हैं। मुकेश जी, पहले के जमाने में कहा जाता था कि कास्टिंग काउच एग्जिस्ट इन बॉलीवुड, रोल पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो क्या ये कहना सही होगा कि अब कास्टिंग काउच नहीं रहा और कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो मैं, जिससे मैं कह सकूं कि ऐसा कुछ होता है, और ऐसा मुझे लगता पहले हुआ करता था,
या ये कहानियां हैं? ये सिर्फ एक्चुअली मैं जब से मैं शहर के अंदर हूँ, जब से मैंने जितने डायरेक्टर के साथ काम किया, मैंने कभी सुना नहीं ना, मैंने कभी देखा है। और मुझे ये किस लेवल पे होता है, ये देखने पर होता वाली है? बात थोड़ी है, ये तो समझने वाली बात है। मतलब मैं बोल के थोड़ी क्या होता है, अगर जो भी है जितना मुझे समझ में आता है, मुझे लगता नहीं क्या है। बिकॉज कोई भी डायरेक्टर फॉर 2 मिनट सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी फिल्म को खराब नहीं करता, बिकॉज करोड़ों रुपए राइडिंग ऑन देयर शोल्डर, दैट वाज। तो आई थिंक वो इस तरह का काम मैंने ना, आई कैन आई डोंट मैजिक सर, कभी ऐसा पता नहीं ना मैं कभी सोच सकता हूँ। क्योंकि आपकी पूरी फिल्म है, अगर एक फिल्म के लिए आपके ऊपर करोड़ों रुपए आपके ऊपर चल रहे हैं, पूरी लोग एक्सपेक्टेशन है, रेपुटेशन ऑफ प्रोडक्शन और रेपुटेशन ऑफ डायरेक्टर, तो एवरीवन रेपुटेशन इज पार्ट ऑफ इट। आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है। मुकेश जी, हॉलीवुड में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स का दर्जा है, इतना इंपॉर्टेंट है कास्टिंग डायरेक्टर्स का काम, कि ऐसा कहा जाता है सम कास्टिंग डायरेक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द डायरेक्टर्स देमसेल्व्स। उनकी रिस्पेक्ट जो की जाती है, वो शायद डायरेक्टर्स को भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी कास्टिंग डायरेक्टर्स को मिलती है, ऑफ कोर्स जो नामी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। तो ऐसे टाइप की रिस्पेक्टेबिलिटी कास्टिंग डायरेक्टर्स को बॉलीवुड में मिल सकती है? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकते हैं। अब तक मिली है? अब तक मिलना शुरू हुई है। जैसे लोग डायरेक्टर सुनने लगे हैं, अपने डिसीजन को, हमारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करने लगे हैं, हमें प्रॉपर क्रेडिट मिलने लगा है। तो आई थिंक अभी जो जिस तरह से ये जा रहा है, आई थिंक विद द नेक्स्ट 1 or 2 years इट विल बी लाइक हॉलीवुड ओनली। कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड में इस वक्त? कास्टिंग डायरेक्टर तो एड्स में बहुत है, फिल्म में बहुत है, लेकिन जो मेजर आई थिंक देयर इज जोगी एंड देयर इज हनी त्रियान, एक तिग्मांशु वाज द फर्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर जिसने बैंडेड क्वीन करी थी सर ने, करेक्ट। एंड अमिता सहगल, तिग्मांशु धूलिया वासीपुर के टाइम पे उनके पास गया मैं रोल लेके, तो मुझे देख करके बोले पागल है। तो मैंने कहा तिशु भाई मेरी बात मान लीजिए कि आपने बैंडेड क्वीन करा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की। तो जब उन्होंने वापसीपुर बात बहुत खुश है बोले कि ये तेरी जिंदगी की बैंडेड क्वीन है। थैंक यू सो मच। आपने उन्हें कास्ट किया था? हमने उन्हें कास्ट किया, और उसमें मतलब बैंडेड क्वीन जैसी बड़ी ह्यूज कास्ट थी। तो वो एक्सपीरियंस था। आई थिंक विद इन 1 or 2 years ये सब ऐसी रिस्पेक्ट मिलेगी, जिस तरह से जैसे ये करियर जा रहा है, जैसे इसमें लोग आ रहे हैं मेरे साथ। आई थिंक एक असिस्टेंट ना, कितने असिस्टेंट, तो 5-6 लोग तो इंडिपेंडेंट बन भी चुके हैं जो स्मॉल स्मॉल फिल्म जो आपके साथ काम करते मेरे साथ सीखे थे, काम करना शुरू किया, जिसमें से एक प्रत्युष गुप्ता है, विजय है, वो सब इंडिपेंडेंट बन के काम करना शुरू कर दिया है। कुछ है जिनको एक्टर बनना है, जो मेरे साथ राइटर बनना है, जो साथ में है एक्टर बनना है, लाइक आकाश दहिया था फैंटास्टिक एक्टर, तो मेरे लिए वो को एक्टर का काम करते हैं और मेरा एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर है, तो इसलिए मेरे साथ ही हमेशा है। बाकी सब सीखते हैं, और क्योंकि अभी जाके कास्टिंग डायरेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, दे बिकमिंग इंडिपेंडेंट। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स जैसा सब्जेक्ट मीडिया स्टडीज के कॉलेजेस में नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों अभी नहीं? होना चाहिए या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभी तो खैर जैसे मुझे 2-3 अभी FTA में जाके मैंने 10 दिन की क्लास लिया कि 2 दिन की कास्टिंग डायरेक्टर के साथ कैसे ऑडिशन कैसे देना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो अभी ये शुरू हुआ है प्रोसेस। लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट आर कॉलिंग मी कि ऐसे कास्टिंग किया, वासीपुर का इतना प्रोसेस था। आई थिंक अभी जाके जिस तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ पीपल आर कॉलिंग, ऑल द डायरेक्टर्स आर कॉलिंग, एक्टिंग वर्कशॉप पर सब लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, क्योंकि एक्टर के साथ नए एक्टर को कास्ट कर रहे हैं। कल्चर ऐसा आ रहा है कि नई नई फिल्म बन रही है, नए नए एक्टर्स को चांस मिल रहा है, क्योंकि अभी शायद लोगों ने एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट करना शुरू किया है, द काइंड ऑफ फिल्म पीपल आर मेकिंग। क्योंकि एक्चुअली फिल्में भी बहुत अलग अलग बन रही है, सो दे वांट न्यू फेसेस, एक नॉवेल्टी फैक्टर भी बन जाता है, फ्रेशनेस भी आती है। तो मुझे लगता है कि जैसे आप एक फिल्म देखते हो, आपने किसी ऐसे एक्टर को देखा, बहुत फिल्में का आपका अच्छा ओके, तो आपका फिर अगर आप नए फेस को लाते हो तो आप कैरेक्टर के साथ ट्रेवल करते हो पूरी फिल्म के अंदर, बाद में पूछते हो यार ये कौन था, इट वॉज वेरी गुड, देन यू फाइंड आउट अबाउट द एक्टर आफ्टर द फिल्म, करेक्ट, बिकॉज यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दैट पर्सन, यार वो कौन था, करेक्ट। तो आई थिंक दैट वे पीपल आर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टर के साथ मेरा इंट्रैक्शन रहा है, तो मैं नए नए एक्टर खोजने में मुझे बहुत मजा आता है, सड़क से, थिएटर ग्रुप से, कहीं से मुझे मिले मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आपने अपनी नौकरी छोड़ी, दिल्ली की नौकरी छोड़ी, तब रिस्क लिया था या इट वाज अ कैलकुलेटेड रिस्क? बहुत रिस्क लिया था, बिकॉज मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मम्मी पापा को लगता है कि नौकरी कर रहा है, सैलरी मिल रही है, बिकॉज उनको लगता है कि वो 18,000 की सैलरी छोड़ के ये क्या करने जा रहा है जवान लड़का। एंड उनकी मेंटेलिटी, आप जाके मेरे, माई डैड नाउ फाइनली अंडरस्टूड व्हाट आई डू, मम्मी अभी पूछते कि तू सबनों काम दवांदा है, तू क्या करता है, अभी तक समझ में नहीं आया। मैं उनको बोला मम्मी मैं कास्टिंग करता हूँ, मैं लोगों को काम देता हूँ, उनको चुनता हूँ। बोलते अपने आप को क्यों नहीं चुन लेता। तो ये वाला, ये अभी तक जाके, अब जाके मेरे माँ को मैं बोला मम्मी मैं ये दिस इज व्हाट आई डू। जो फर्स्ट अवार्ड मिला उससे प्रूफ हो गया होगा, प्रूफ हो गया था बेस्ट एंसेंबल कास्ट के, अच्छा कुछ तो मिल रहा है। लास्ट ईयर अंडरस्टूड, बिकॉज ऑल वेरी, दे वेरी मिडिल क्लास, वेरी, वे आर नॉर्मल फैमिली, पंजाब से आके दिल्ली में है, तो माय डैड अंडरस्टूड बिकॉज वेरी फाउंड ऑफ फिल्म, तो ही नो एवरीवन, लाइक अनुराग कश्यप फिल्म कैसी होती है, इम्तियाज कैसे। तो आई थिंक अब जाके
उनको लगता है कि हाँ कुछ करता है बेटा मुंबई में। और मुकेश जी अल्टीमेट एम कास्टिंग डायरेक्टर तो आप बन गए, नौकरी छोड़ी फिर कास्टिंग डायरेक्टर बने, अल्टीमेट एम क्या है? मुझे एक फिल्म बनाना है सर, जिसकी वजह से वो फिल्म एक फिल्म बनानी है या मुझे फिल्में बनानी है? मुझे फिल्में बनानी, एक बनाऊंगा तो आगे मिलेंगे। जैसे एक चिंटू जी के बाद इतनी सारी फिल्में, जैसे चिंटू जी के बाद अगर आपने बुरी कास्टिंग करी तो लोग आपको याद नहीं रखेंगे। तो इसलिए मैं जब भी कोई नई फिल्म करता हूँ तो मैं हमेशा डरता हूँ यार ये अच्छी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत डर लगा रहता है। क्योंकि अभी बॉम्बे वेलवेट मेरे सामने है, मुझे लगा कि इज अ ह्यूज कास्ट। तो आपने अपनी फिल्म जो डायरेक्ट करने वाले हैं उसका काम शुरू कर दिया, उसकी कास्टिंग शुरू कर दी? कास्टिंग तो सर मन में कब से करके रखी है। तो उसका स्क्रिप्ट वगैरह तैयार है? स्क्रिप्ट हाँ, बेसिक ड्राफ्ट तैयार है, उस पर और काम करना है। तो आई थिंक मैं जून जुलाई के बाद जो फिल्मिंग, उसके बाद 1-2 महीने कोशिश करूंगा ब्रेक लेने की, अगर मुझे ब्रेक मिला। मैंने हर बार ये सोचता हूँ, पिछले 3 साल से सोच रहा हूँ ब्रेक लूंगा, लेकिन तीन साढ़े तीन साल से तो ब्रेक नहीं लिया। तो मतलब ऐसा लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर एक फिल्म बना ही डालेंगे? कोशिश करूंगा सर, अच्छी फिल्म बना डालूंगा। चलिए मुकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड यस होपिंग दैट यू कंटिन्यू टू शाइन एंड ग्रेजुएट एज अ डायरेक्टर आल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे मुकेश छाबरा जी। कास्टिंग डायरेक्टर का काम कितना मुश्किल होता है, कितना टेंशन वाला होता है, कितना स्ट्रेसफुल होता है, ये तो आपने इनकी बातों से समझ ही लिया होगा। एंड be prepared to read his name as not just casting director but as director also, kyunki bahut jald Mukesh Chhabra ji ek film bhi banane wale hain, as he said that is his ultimate aim. Friends, aaj ke liye bas itna hi.